वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेटेस्ट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा वीडियो या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। दोस्तों आज बात करते हैं, क्या कोर्ट में प्रत्येक तारीख पे जाना अनिवार्य है मुलजिम को या नहीं है, आज इस वीडियो में आप जानोगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक देखने के बाद पता चलेगा कि आपको कोर्ट की जो तारीख होती है, जो मुकदमा होता है, उसमें प्रत्येक तारीख को जाना अनिवार्य है कि नहीं है, अनिवार्य है क्या नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आप जानोगे। दोस्तों मान लो किसी की व्यक्ति के खिलाफ अगर 338 आदि मुकदमे में अगर वो आरोपी है तो उसे दोस्तों कोर्ट ये देखती है। अगर 138 एक्ट और 343 या और भी छोटे मोटे जो मुकदमे हैं उनमें कोर्ट इतनी स्टिक नहीं लेती, क्योंकि उनमें अगर आपके उस केस में प्रत्येक तारीख पर नहीं जाते हैं तो आपका वकील है वो आपकी पैरवी करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसे जो मैटर होते हैं, गंभीर प्रकार के जो मैटर नहीं होते, उनमें कोर्ट भी देखती है कि इस तारीख पे मुलजिम को आना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट भी ये चाहती है कि हर तारीख को मुलजिम के कुछ काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों कोर्ट द्वारा, मुलजिम द्वारा आपके जो वकील है उसको पावर होता है कि 205 CRPC के तहत हाजिरी माफी नामा आपके आपकी ओर से पेश कर सकता है कि आज ये मुलजिम किसी कारणवश से कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। ये कहते हुए कोर्ट आपकी जमान जब्त नहीं करेगी और आपको तारीख दे देगी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे गंभीर प्रकार के जो मुकदमे होते हैं, जैसे 302 है, 307 है, 376 है, ऐसे प्रकार के जो मुकदमे होते हैं दोस्तों, उसमें आपको हर तारीख पैसे पे आना अनिवार्य है, क्योंकि ये संगीन प्रकार के जो अपराध की श्रेणी में जो मुकदमे आते हैं उनमें कोर्ट ये देखती है कि अगर मुलजिम को हर तारीख पैसे में नहीं बुलाओगे तो उसको ये पता नहीं लगेगा कि हमने जो क्राइम किया है वो बहुत ही गलत किया है, कि उसको एहसास होना चाहिए। इस प्रकार से उस व्यक्ति को हर तारीख पैसे में आना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार उन केसों में अगर आपके इमरजेंसी कार्य हो जाता है तो आप अपने वकील को बता दीजिए, वकील 205 CRPC के तहत जो हाजिरी माफी पेश होती है वो वकील कोर्ट के समक्ष पेश होगा और कोर्ट को यह बताएगा कि आज मेरा मुलजिम आज नहीं आ सकता, क्योंकि उनके घर में क्या तो डेथ हो गई या कुछ ऐसा कारण बताना पड़ेगा। बिना कारण आप रुकते हो तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाती है। इसलिए दोस्तों अगर इस वीडियो में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट में हर तारीख पेशी पे आना अनिवार्य नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर कोर्ट चाहे तो आपको हर तारीख पेशी पे बुला सकती है। लेकिन दोस्तों कानून में के तौर पे कुछ पावर्स मिले हुए हैं वकील को, तो वकील अपने मुलजिम अपने फरीक की तरफ से 205 CRPC में हाजिरी माफी पेश कर सकता है। उसमें कारण बताना पड़ेगा कि आज मुलजिम किस कारण से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका। इसलिए इस प्रकार के जो संगीन प्रकार के जो मैटर होते हैं उसमें कोर्ट ये देखती है कि उस व्यक्ति को हर तारीख पैसे में आना जरूरी है। और इसी के साथ साथ कोर्ट भी ये चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर प्रकार का कोई घटना करता है तो उसे हर तारीख पैसे पे बुलाता है, क्योंकि उसे ये सा लगे कि आज के बाद में मैं ऐसा कोई भी घटना कारित नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार के मुकदमे में कोर्ट द्वारा मना करने के बाद आप हाजिर नहीं होते हो, कोर्ट अगर मना कर देती वकील के द्वारा कि आज इसकी जमानत जब्त कर लेती, अगर कोर्ट आपकी जमानत जब्त कर लेती है दोस्तों, तो जब्त करने का इतना मकसद है, कोर्ट जमानत जब्त करने का मतलब है आपको खिलाफ वारंट इश्यू हो जाते हैं। जब्त करने के बाद, वारंट इश्यू होने के बाद आपको उसी प्रकार जो केस जहां पेंडिंग था, जहां चल रहा था, वही स्टेज पे वापिस केस आ जाता है। जिस प्रकार अगर आपकी जमानत जब्त हो जाती है तो उसमें केस अगर एविडेंस में था, जमानत जब्त होने के बाद वापस तलबी में आ जाता है, मतलब आपकी
खिलाफ वारंट इश्यू हो जाते हैं और आपकी जमान जब्त हो जाती है। दोस्तों उसके बाद आपके खिलाफ 446 खुल जाती है। 446 का अर्थ होता है कि आपकी जमान जब्त होने के बाद कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना लगाएगी। 446 खोलने के बाद ही कोर्ट आपको सुनेगी। 446 में कोर्ट आपके जुर्माना करेगी, उसमें कितने का भी जुर्माना कर सकती है, 1000 का कर सकती है, 500 का जुर्माना कर सकती है। 446 खोलने के बाद उसमें कोर्ट आपके जुर्माना करेगी, उसमें उसी प्रकार को आपको जमानती लाना पड़ेगा, उसी स्टेज पे जमानत होगी और जहां फाइल थी वहां वापिस चलने लग जाएगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना कहना चाहता हूं कि कोर्ट में हर तारीख पेशी पे नहीं आना। कभी कभी कोर्ट ये देखती है, रियायत भी देती थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक तारीख पर हाजिरी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर कर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अगर कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट्स करके मुझे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नमस्कार।